फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना या फिर कहें लॉग पीरियोडिक एंटीना या फिर डाइपोल एंटीना, तीन नेम है इसके, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, लॉग पीरियोडिक और डाइपोल एंटीना, डाइपोल एरे एंटीना। तो इसमें क्या है कि वी एच रनसे के अकॉर्डिंग जो एंटीना है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें एक एंगल होता है, एंगल्स की टर्म्स में इसे लिया जाता है और ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो ये वो एंटीना है जिसमें जो इम्पीडेंस है और जो पैटर्न है वो कॉन्स्टेंट रहेगा उसके फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। और ये जो एंटीना है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, तो एंटीना जो है ये क्या है, एक एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, या तो वो एक्सपेंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, जो कि प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के, जो वेवलेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो एंटीना का स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, एडजस्टेबल नहीं होता, यानी कि मैकेनिकली इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके मैकेनिकली इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। इसकी जो साइज है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, इसे कैसे अचीव करेंगे, उसका जो रेडिएटिंग रीजन होगा ना वो प्रोपोर्शन होता है वेवलेंथ के, और इस तरह से उसे अचीव किया जा सकता है। देखिए ये जो एंटीना है कुछ इस फॉर्म में होगा, ये हमारा लॉग पीरियोडिक डाइपोल एरे मेन रीजन ऑपरेशन है एंटीना का, जिसमें जो एंगल होगा वो अल्फा एंगल होगा, इसके बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा एंगल होता है, और ये जो एंगल होता है अल्फा 30 डिग्री का हो सकता है, इसकी टिपिकल वैल्यू 30 डिग्री की है। और जो और इसके अलावा एक हमारे पास होता है इसका डिजाइन रेशियो, डिजाइन रेशियो से टाउ से डिनोट किया जाता है, और जो टाउ होगा उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। अब इसमें अलग अलग रीजन्स होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीजें ली जाती हैं। एक तो होता है ये 1 और 2, ये इनएक्टिव रीजन होगा जिसमें एल जो होगा एल कम होगा लैम्डा अपॉन 2 से 1, और ये जो 1 है ये जो स्पेस है 1 का ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्लूडेड ट्रांसमिशन लाइन रीजन को, यानी वो रीजन जिसमें ट्रांसमिशन लाइन होती है। दूसरा जो होता है सेकंड रीजन, ये वाला रीजन यहां तक, यहां से यहां तक का रीजन, ये जो रीजन होता है ये लोडेड ट्रांसमिशन लाइन रीजन होता है, जहां पे लोड दिया जाता है, ठीक है। तीसरा रीजन, थर्ड रीजन, ये जो रीजन होता है ये वाला रीजन यहां से लेकर यहां तक, ये रीजन जो होता है ये होता है एक्टिव रीजन, इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट जो रीजन होगा फोर्थ नंबर वाला रीजन, ये जो रीजन होता है ये रिफ्लेक्टिव रीजन होता है, ठीक है, ये होता है ये बीच में थर्ड नंबर वाला इनएक्टिव रीजन होगा जिसमें एल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 के होगा, और फोर्थ वाला इनएक्टिव रीजन होगा जिसमें एल स्मॉल बड़ा होगा लैम्डा अपॉन 2 से, एल एन जो इसकी लेंथ होगी और उससे आगे वाला, क्योंकि आगे वो बढ़ रहा है तो एल एन प्लस 1, ऐसे ही आर एन आर प्लस एन एस एन एस प्लस एन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एल है वो लेंथ है और आर और एस स्पेसिंग है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पेसिंग को, इसकी डायमेंशन है लेंथ और स्पेसिंग की। अब देखिए इसमें दो पैटर्न बनेंगे, एक ई प्लेन पैटर्न होगा एक एच प्लेन पैटर्न होगा, ये जो है ये एच प्लेन व्यू है, ये सारा ये हमारा ई प्लेन पैटर्न बनता है, यहाँ पे एच प्लेन पैटर्न बनता है। इसमें क्या है ई प्लेन पैटर्न, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये फाई ई पैटर्न इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे एच पैटर्न 0 होगा, यहाँ पे एच पैटर्न पाई होगा, यहाँ पे ई पैटर्न पाई होगा, पाई के इक्वल होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे ये जो चीज है ये है इसकी ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो एंटीना है इस एंटीना को लॉग पीरियोडिक एंटीना कहा जाता है, इसको लॉग पीरियोडिक एंटीना भी कहा जाता है। लॉग पीरियोडिक एंटीना एक ब्रॉड बैंड एंटीना है और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 10:1 की होती है,
10:1 की होती है, जिसको इजिली अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा ये 100:1 की भी हो सकती है, ठीक है, अगर इसे थियोरेटिकली डिजाइन किया जाए, उसकी अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग से डिजाइन किया जाए तब। तो ये ब्रॉडबैंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लॉग पीरियडिक एंटीना की, जिसमें इम्पीडेंस भी होता है और पैटर्न भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। और जो रेडिएशन पैटर्न होगा इस एंटीना का, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। ये लो यानी कि जो इसका पैटर्न होगा दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मॉडरेट डायरेक्टिव गेन होगा इसका। और इसके अलावा इसकी हाई डायरेक्टिव गेन होगा, उसे अचीव किया जा सकता है एरे से, यानी अगर हम इस एंटीना का एरे लेते हैं ना, तो उससे हम एक हाई डायरेक्टिव गेन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे 1957 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, प्रोड्यूस किया गया था 1957 में। तो जो डिजाइन है लॉग पीरियडिक एंटीना का, ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। ये क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके चेंजिंग साइज, यानी कि इसका जो साइज होता है वो चेंजिंग साइज होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिपीटेड होता है और चेंजिंग साइज स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर का साइज होता है वो चेंज होता है हर एक रिपीटेशन के बाद। रिपीटेशन के बाद स्ट्रक्चर का साइज चेंज होता है और कॉन्स्टेंट स्केलर फैक्टर होता है इसमें, ठीक है, और एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये एक्सपेंड भी करेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, किसके प्रोपोर्शनल में, वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल में, ठीक है। इसे मैकेनिकली एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और लॉग पीरियडिक जो प्रिंसिपल होता है वो लॉग पीरियडिक डाइपोल एरे से शो किया जा सकता है, लॉग पीरियडिक डाइपोल एरे, जिसे LPDA से शो किया जाता है, लॉग पीरियडिक डाइपोल एरे LPDA। देखिए इसकी जो डायमेंशन होगी, इस एंटीना की जो भी डायमेंशन होती है, डायमेंशन जो इंक्रीज करती है वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, डिस्टेंस जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। इसमें नंबर ऑफ डाइपोल्स होते हैं और अलग अलग लेंथ होती है और स्पेसिंग होती है। देखिए यहाँ पे कुछ और लेंथ है, यहाँ कुछ और है, अलग अलग लेंथ होती है और स्पेसिंग भी अलग अलग होती है, अलग अलग लेंथ और अलग अलग स्पेसिंग, डिफरेंट लेंथ डिफरेंट स्पेसिंग, ठीक है। और टू वायर ट्रांसमिशन लाइन से इसे फीड किया जा सकता है, ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे होगी और ये जो लाइन है ये टू वायर ट्रांसमिशन लाइन होती है। और ये क्या होता है, ये एक नैरो एंड से मैक्सिमम बीम तक जाती है, यानी कि नैरो से मैक्सिमम तक जाती है, यानी कि यहाँ पे नैरो है और ये मैक्सिमम एंड तक जाएगी। एक एंड नैरो होगा और दूसरा एंड मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके लेंथ और स्पेसिंग है पर्टिकुलर वे में डिजाइन की जाती है, पर्टिकुलर डायमेंशन होता है और एडजस्टमेंट होती है। इसकी जो डायमेंशन होगी L जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और R और S जो कि स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो स्केलर फैक्टर होता है वो जो स्केलर फैक्टर को डिजाइन, उसका डिजाइन रेशियो बोल सकते हैं, उसको टाउ से डिनोट किया जा सकता है, टाउ जिसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। इसकी स्पेसिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि R1/R2 किसके होता है, R2/R3 के, R2/R3 इज इक्वल टू R3/R4 के, ऐसे ही Rn/Rn+1 के इक्वल होगा, जो इज इक्वल टू टाउ के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, L1/L2 इज इक्वल टू L2/L3 इज इक्वल टू L3/L4, ऐसे ही Ln/Ln+1 तक है, ठीक है। अब देखिए इसे हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि Rn/Rn+1 जो इज इक्वल टू होगा Ln/Ln+1 के, और ये इज इक्वल टू है टाउ के, ठीक है। टाउ क्या है, एक डिजाइन रेशियो है या फिर स्केलर फैक्टर है, पीरियोडिक फैक्टर है। और इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, अगर इसे हम उल्टा कर दे, यानी कि इसको Sn+1/Sn और Ln+
वन अपॉन एल एन कर दें तो ये इज इक्वल टू होगा वन अपॉन टाउ के, ठीक है ना। और इसमें के जो कि कॉन्स्टेंट होता है, ये क्या होता है, के फैक्टर होता है जो बड़ा होता है वन से। टू कंडीशंस है इसमें, ठीक है ना। तो क्या है कि एंगल जो होगा वो अल्फा होगा एक एंड पे, वन एंड अल्फा एंगल जहां से जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल पे बनता है ये, और दूसरा हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा एंगल होगा जो इस तरह से जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यू होती है अल्फा की वो 30 डिग्री की होगी, और जो टाओ, टाओ यानी कि जो डिजाइन डिजाइन रेशियो होगा वो 0.7 होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना की। इसके अलग अलग टर्म्स होते हैं और अलग अलग एंगल्स पे ये बनाया जा सकता है। इसकी टिपिकल वैल्यू होती है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट लॉग पीरियोडिक और डाइपोलर एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।